तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे माय मैकेनिकल सपोर्ट। दोस्तों आज मैं आपको इस सिंपल से वीडियो सिंपल भाषा में बताने वाला हूं कि अल्ट्राटेक का बिरला व्हाइट सीमेंट को जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए बिरला व्हाइट सीमेंट का बैग, एक खाली बाल्टी और सादा पानी होना चाहिए। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि गर्म पानी चाहिए या फिर ठंडा पानी चाहिए। नहीं, आप नॉर्मल ठंडा पानी ही इस्तेमाल कर सकते हो और एक डंटा ये जरूरी है मिलाने के लिए। तो चलिए धीरे धीरे मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं और इस बीच आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते जाइए आगे किस तरह से इसको मिलाया जाता है और दीवार पर किस तरह से इसे लगाया जाता है। इससे जो है वो सादे दीवार पर ही इस्तेमाल करूंगा ताकि हमारा डिस्टेंपर का जो खपत है वो कम हो सके। और ये मुझे मिला है 140 रुपए का 5 kg। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले तो इस पैक को खोल लेते हैं। हमने जो है इसके एक कोने पे कट लगा दिया है और अब डायरेक्ट जो है वो इसे इस तरह से एक अंदाजे के साथ जो है वो सबसे पहले आधा पैकेट को हमने जो है वो बाल्टी में डाल दिया। पूरा पैकेट को साथ एक साथ बाल्टी में नहीं डाले क्योंकि अगर वो ढीला हो गया, अगर उसमें और व्हाइट सीमेंट चाहिए होगा तो आपके पास नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़े से पैकेट में बचा लीजिए। और अब देखिए मैं बिल्कुल एक एक स्टेप आपको दिखाने वाला हूं। देखिए इतना ही पानी डालना है जितना में हमारा व्हाइट सीमेंट जो है वो ढक जाए। ये देखिए व्हाइट सीमेंट हमको नहीं दिख रहा है। अब इस डंडे के सहारे से हाथ मत लगाइएगा नहीं तो हाथ जो है वो ये काटता भी है। काटने का मतलब है ये थोड़ा सा रफ कर देगा हाथ को। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलाना है और चूने से बिल्कुल आसान है। मिला रहा हूं ये हमने मिला दिया है। बिल्कुल जितने भी व्हाइट सीमेंट थे सभी मिल चुके हैं लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है। तैयार किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये देखिए अब आपको करना क्या है कि आपको हाथ नहीं लगाना जिस तरह से मैंने बोला। ये जो ब्रश है इसको डाल के देखना। ये अभी काफी ढीला है दोस्त। ये देखिए ब्रश पे चर भी नहीं रहा। ये अभी बहुत ज्यादा जो है वो ढीला है। इसमें और व्हाइट सीमेंट जो है वो मिलाने होंगे इसीलिए हमने व्हाइट सीमेंट को बचा लिया था ताकि बाद में हम डाल सके। ये देखिए अब हल्के हल्के व्हाइट सीमेंट मिलाते जाना है और इसको जो है वो गाढ़ा करते जाना है। इतना ही गाढ़ा करना है जितना में हमारा ब्रश चल सके और इसका कोई विशेष रोल नहीं है। और ये दीवार में जो है वो मजबूती प्रदान करता है। वाटरप्रूफिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और दीवार की जो चिकनाई है उसको ये बढ़ा देता है ताकि हमारा जो पानी गिरता है दीवार पे तो वो सीधे तौर पे जो है वो नीचे आ जाता है और इससे बहुत अच्छा वाटरप्रूफिंग जो है वो तैयार हो जाता है। फिर उसी प्रोसेस को दोहराना है आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा हमारा हो चुका है। अब चलिए थोड़ा सा और जो है वो इसमें हम व्हाइट सीमेंट डालते हैं। ये बहुत ज्यादा गाढ़ा मत कर लीजिएगा नहीं तो आपका ब्रश ही नहीं चल पाएगा। और ये मुझे लगता है अब तैयार हो गया। मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छे तरीके से मिला ले और इसको थोड़ा देर ठंडा होने दिया जाता है दोस्त क्योंकि इसमें जो है वो CaO होता है जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके थोड़ा सा जो है वो गर्म हो जाता है। और डायरेक्ट आप हाथ लगाएंगे तो आपको जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 5-10 मिनट छोड़ दे इसको, उसके बाद में ही दीवार में से अप्लाई करनी चाहिए। तो
तो दोस्तों अब हमने जो है वो तैयार कर दिए हैं और 10 मिनट भी हो चुके हैं और देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, दीवार पे लगाने के लिए यही थिकनेस हम लोगों को चाहिए ताकि हमारा ब्रश जो है वो चल सके। ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी हमारा ब्रश नहीं चल पाएगा, और ज्यादा अगर बहुत ज्यादा ढीला हो जाएगा तो उसमें को लगाने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो पानी की तरह बह जाएगा। तो यही थिकनेस जो है वो चाहिए ब्रश में, आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए। और इसको बिल्कुल आसानी से हम लोग जो है वो दीवार पे लगा सकते हैं। किस तरह से लगाते हैं एक वीडियो में इसके लिए बनाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो जब भी वीडियो अपलोड होंगे डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।